हेलो दोस्तों, हमारे सीजी पोल्ट्री फार्मिंग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुर्गी सप्लायर कैसे करें और कहां कहां करें। दोस्तों, हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सप्लायर होते हैं ब्रायलर मुर्गी की, जो मुर्गी काटते हैं उनको देते हैं, इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले चाहिए एक गाड़ी जिसमें आपका अपने मुर्गियों को भरना होता है। ये एक स्पेशल गाड़ी होती है जिसके पीछे एक जाली सी होती है जिसके पोर्शन किए जाते हैं, और हर एक पोर्शन में आपको मुर्गी को तौल तौल कर डालनी होती है जिसमें कि आप अपने कस्टमर को मुर्गी आसानी से दे सकें। दोस्तों, और आपको एक रखनी होगी इलेक्ट्रॉनिक कांटा, तौल तौल कर देनी होगी कस्टमर के सामने। दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बस इस गाड़ी का ही खर्चा इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास जहां कहीं भी मुर्गी उठानी है, आपके जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उनका आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस गांव में जाके क्योंकि मुर्गी को उठाना होता है। आपको पता होना चाहिए कि मीट शॉप कहाँ कहाँ है, मुर्गी के दुकान कहाँ कहाँ है, मुर्गा काटा जाता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपका जितनी भी दुकान से आपका लिंक हो तो आपका माल ज़्यादा बिकेगा। फोक पॉइंट मेरा यह है कि आपके पास एक छोटा सा फार्म होनी चाहिए जिसमें कि आप 100 से 200 मुर्गी स्टॉक कर सकते हो। तो होता क्या है कि मान लो कि आपने सप्लाई आप दी तो जो आपकी मुर्गी थोड़ी बच गई, नहीं बिकी, तो आपको वो जो मुर्गी होती है उसे स्टॉक करना होता है अगले दिन बेचने के लिए। तो आपके पास एक छोटा सा फार्म होना चाहिए। यदि आपके पास 200 से 250 फीट तक की स्क्वायर फीट है तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। और दोस्तों, आपको एक आदमी चाहिए जिसका काम क्या होगा कि जब पोल्ट्री फार्म से मुर्गा तोलते हो तो वो गाड़ी से मुर्गा भरता है, और जब आपने मीट शॉप में मुर्गा देना होता है तो वो गाड़ी से मुर्गा निकालकर मीट वाले को देता है। तब आपको लेबर चाहिए आपके लिए। अब देख लेते हैं प्रतिदिन काम करके कितना मुनाफा कर लेते हैं। जो ब्रायलर का प्राइस होता है वो फिक्स नहीं होता है, जो ब्रायलर है उसका रेट डेली आता है और कम बेसी होते रहता है। तो इसका रेट 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक चले जाता है। तो इसमें मज़े की बात यह है कि जितना भी रेट आता है उसका जो सप्लायर है और मीट शॉप जब भी रेट आता है ब्रायलर फार्मर को नुकसान होता है। तो दोस्तों, सप्लायर का काम है मुर्गी फार्म में आपने जाकर मुर्गी खरीदनी होती है और ऊपर 10 रुपये पे प्रति केजी के हिसाब से उसको जो मीट शॉप पर भेज देना होता है। तो मान लें कि यदि उसने फार्म से 70 रुपये केजी से ली है तो आपको बेचनी होती है 80 रुपये, तो 10 रुपये का मुनाफा 1 किलो में हो जाता है। तो एक दिन में इस प्रकार आपने 8 क्विंटल से 10 क्विंटल सप्लाई कर दिया तो 8,000 से 10,000 तक आपने कमा लिया एक दिन में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।